बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं M5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं आयशा शौकत। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर्रहमान ने मुलाकात की, जिसमें गोलड़ा में जोड़े को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में भारतीय कोरोना वेरिएंट के फैलने का खदशा है। चौथी लहर के आगाज़ के वाज़ इब्तदाई आसार भी मौजूद हैं। SOPs पर नाकस अमलदारी चौथी लहर के फैलाव का बाइस बन रही है। इलेक्शन कमीशन ने कंटोनमेंट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में पोलिंग 12 सितम्बर को होगी। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जमानत की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM का शेराजा बिखर चुका। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला अपोजिशन इतिहाद अपने ही बोझ से खुद गिर गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अफगान मसले के सियासी हल के लिए खित्ते के ममालिक को आगे आना होगा। काबुल पर तालिबान कब्जा नहीं कर सकते, अफगान फोर्सेस की काबिलियत पर भरोसा है। अफगान तालिबान इस वक्त फौजी लिहाज से 2001 के बाद की मजबूत तरीन पोजिशन पर है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हम पर उंगली उठाने वाला अमरीका आज कह रहा है पाकिस्तान हमारा मददगार और तामीरी शराकतदार है।